तो आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। इससे पहले दो इंट्रोडक्शन वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, उन दोनों इंट्रोडक्शन जो वीडियोस हैं उनको जाकर चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसमें हम इससे पहले हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जान लिया है इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से इन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपने उन वीडियोज़ को काफ़ी अच्छे से देखा हुआ है, एक्सरसाइज को आपने सॉल्व किया हुआ है, उसमें जो एग्ज़ाम्पल्स हैं मैंने बताए हैं, अगर उनको आपने अच्छे से सॉल्व किया है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। तो देखिए प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन आ गए हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पर आप प्रॉपर्टी का यूज़ कर करके इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं ठीक, बट इसमें क्या बोल रहा है कि आपको एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने कौन कौन सी पढ़ी है, एसोसिएटिव पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ी है, कम्यूटेटिव पढ़ी है और क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, तो उन सभी वीडियोस को आप ज़रूर वॉच कर लें तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्टली देखिए क्या करना है, इनको तो हमें सॉल्व करना है, तो पहले इसको क्या करिए आप, इसको पहले आप अरेंज कर लीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टी इस पर आपको अप्लाई होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि ये हम जो एक जैसे नंबर है उनको एक साइड हम कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -2/3 × 3/5 और इनटू फॉर्म वाला है एक, और ये वाला बन रहा है तो इसे भी हम इधर कर लेते हैं, माइनस का साइन है तो इधर ले लीजिए माइनस का साइन। 3/5 × 1/6 एंड देन ये लास्ट, तो ये इसको हम कर देते हैं क्या, +5/2। अब इसमें हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, इसमें हमने प्रॉपर्टी जो लगाई है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ठीक है। अब ये बताना है आपको कि एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो किन किन ऑपरेशन पे वर्क करती है और किन ऑपरेशन पे वर्क नहीं करती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे ही वर्क करती है, माइनस जो सब्ट्रैक्शन है और डिवीज़न पे ये वर्क नहीं करती। आपको ध्यान रखना है कि डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन पे ये वर्क, सॉरी डिवीज़न सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे ये प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं जो इनटू वाले हैं, सबसे पहले इनको क्या करें, जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं। तो कॉमन क्या है इसमें, 3/5, तो 3/5 को जब हम कॉमन ले लेंगे बाहर तो -2/3 अंदर बचेगा, इसमें 3/5 बाहर हो गया तो 1/6 बचेगा ठीक है। देखिए 3/5 को जब हम इंटू करेंगे इसके साथ में 2/3 के साथ तो हमको यही मिल जाएगा, और जब 1/6 के साथ इंटू करेंगे तो हमको ये ऊपर का मिल जाएगा, प्लस जो बचा हुआ है उसको राइट कर देते हैं। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये यहाँ पर जो यूज़ हो रही है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपका यहाँ पे यूज़ हुई है ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद करिए इसको, अब सिंपली इनको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले इनको कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए दोनों का, ये हो गया 3/5, दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा इनका एलसीएम ठीक है। अगर एलसीएम वगैरह तो आप काफ़ी आगे की क्लासेस में आ गए, तो एलसीएम आपको इजीली आप ले सकते हैं, नहीं थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, 3 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 3 नहीं जा रहा है तो फिर ये क्या हो गया आपका, 3 और 2 3 जा 6 और ये 3 से चला गया, जो 2 3 जा 6, तो ये आपका क्या आ गया एलसीएम। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि एलसीएम का जो फंडा है उसमें बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लास्ट तक जो हायर क्लासेस हैं वहाँ तक कंफ्यूज रहते हैं। अब ये एलसीएम तो 6 आया दोनों का, अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो डिनोमिनेटर में अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, तो डिनोमिनेटर में हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया 2 2 जा 4, तो ये हो गया -4, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। इसके बाद देखिए 6 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 ही आ जाए, सो इसमें हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हमने 1 मल्टीप्लाई करी है, तो ये क्या आ गया ऊपर हमारा -1 आ गया, +5/2।
इक्वल करिए, यहाँ पे इक्वल करके इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 इंटू, ये जो ब्रैकेट है वो हट गया आपका, तो ये हो गया 5/6 प्लस 5/2। अब ये जो क्रॉस आउट हो रहे हैं उनको कर दीजिए, 5 से 5 हो गया और 3 2 6 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो आ गया वो आ गया -1/2 प्लस 5/2। अब इनका भी एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद जब इनका एलसीएम ले लेंगे तो 2 2 का एलसीएम क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाया हुआ है, तो ये एलसीएम जो हो गया 2, तो 2 1 2 ऊपर -1 और ये भी 5 1 5, तो ये भी हो गया आपका +5 इक्वल। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 4/2, 2 2 4, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया क्या, 2, ठीक है। जब ये सारा हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2। होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज है, प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना है आपको। प्रॉपर्टीज़ अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, तो फर्स्ट ये वाला अगर आपने किया, फर्स्ट को अच्छे से समझ लिया, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इसको काफ़ी आराम से मैंने किया है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जल्दी जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। इसका जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट तो देख लीजिए कि इसमें सबसे पहले इसको अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करना है इसको, बहुत ज़रूरी है। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अरेंज करने के लिए जो है हम इसको सबसे पहले जो एक जैसे हैं नंबर उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो 2/5 इंटू -3/7। अच्छा, ये जो साइन है माइनस का, ये आप ऊपर लगाइए या नीचे लगाइए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस का साइन है तो वो दोनों के लिए एक ही माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 2/5 है, इसमें भी 2/5 है, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये साइन कौन सा जाएगा, इसमें प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, +1/14 इंटू 2/5, ठीक। इसके बाद बचा ये वाला, तो इसको कर लीजिए -1/6 इंटू 3/2, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको तो हमने कैसे अरेंज किया, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया। इसको अरेंज करने के लिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 2/5 जो है दोनों में कॉमन है, तो इसको हमने बाहर ले लिया 2/5 को। अंदर बचा -3/7 प्लस 1/14, ठीक। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए क्रॉस आउट हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6, तो जो क्रॉस आउट हो रहा है उसको हम कर देते हैं, तो -1/2 2 4, तो ये हो गया। इक्वल करके यहाँ पे कर लेते हैं 2/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो ब्रैकेट है उसको, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। अब 2/5 और ब्रैकेट को जब हम अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा उसके अंदर, इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा क्या, 14। 7 2 14, ठीक है, 7 2 14, तो 3 2 6, ठीक। 14 1 14, सो 1 1 1। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, ये तो काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3 2 6, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1, ठीक। यहाँ पे -1/4। आगे सॉल्व कर लेते हैं 2/5, और ये हो जाएगा आपका -6 प्लस 1, क्या होगा, -5/14 -1/4। यहाँ पे 5 और 5 क्रॉस आउट हो रहे हैं, कर दीजिए 2 1 2, 2 7 14 हो गया, इक्वल 1/7 -1/4। वापस से इनका एलसीएम ले लीजिए, वापस से जब इनका एलसीएम लेंगे तो 7 और 4 का क्या होगा, 28। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब नंबर अलग अलग हो और एक दूसरे से डिवाइड ना हो रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या हो, एक कंपोजिट हो और एक प्राइम हो, तो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो गया 28, ठीक, और ये हो गया आपका -4, और ये हो गया आपका -7।
ठीक, इसका जो माइनस वाला साइन है वो आगे कैरी होगा, ये माइनस फाइव है। ठीक, तो ये हो गया आपका माइनस इलेवन बाय ट्वेंटी एट, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, माइनस इलेवन बाय ट्वेंटी एट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है इनमें बच्चे कंफ्यूज़ होते हैं, तो इन पर कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। जब एक कंपोजिट नंबर हो और एक प्राइम नंबर हो, ठीक है, या एक इवन हो और एक जो है आपका प्राइम नंबर हो, तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, अगर एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर है, लाइक यहाँ पे हमने किया था सेवन और फोर्टीन, तो सेवन से फोर्टीन डिवाइड हो जा रहा है, तो जो बड़ा नंबर होगा वही हमारे क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। होपफुली कि ये जो वीडियो है आपको समझ आया होगा, इसमें दो क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, देख लीजिए। इसके आगे का क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर टू, और इसमें हमको फाइंड आउट करना है क्या, एडिटिव इन्वर्स। तो राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कि एडिटिव इन्वर्स होते क्या हैं, जस्ट अपोजिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनका साइन चेंज हो जाता है, बाकी और कुछ भी इसमें चेंज नहीं होता है। और एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं, जिनका भी एडिटिव इन्वर्स हमको निकालना है उसका प्लस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कि वी नो दैट एडिटिव इन्वर्स इन्वर्स ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है। अगर आप ये लिख देते हैं स्टार्ट पे, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है आंसर वगैरह जब आप देते हैं एग्ज़ाम में, तो उनका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें लिखना कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें एडिटिव इन्वर्स ऑफ रैशनल नंबर ए बाई बी, है ना। रैशनल नंबर जो होते हैं वो तो ए बाई बी के फॉर्म में होते हैं, इज। तो इसका जो रैशनल नंबर है, ये जो रैशनल नंबर है ए बाई बी, इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, माइनस ए बाई बी। ठीक है, सच दैट, इसीलिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस माइनस ए बाई बी इक्वल जीरो। ठीक है, मतलब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो। तो जीरो तो आना ही चाहिए, एडिटिव इन्वर्स का मतलब ही है कि जिसका भी हम एडिटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं उसका जो प्लस है वो क्या आना चाहिए, वो जीरो आना चाहिए, तभी वो एडिटिव इन्वर्स है, अदरवाइज़ वो एडिटिव इन्वर्स नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा उसको हम ले लेते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है टू बाय थ्री। अब टू बाय थ्री का जो है एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, टू बाय थ्री का जो एडिटिव इन्वर्स है वो हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, माइनस टू बाय थ्री। ठीक, तो इसका माइनस टू बाय थ्री तो होगा, कैसे होगा, एक तो आप प्रूफ कर लीजिए यहाँ पे, माइनस टू हमने ऊपर देखा है ए बाई बी, तो ए बाई बी के फॉर्म में क्या है ये, तो ये होगा माइनस टू बाय थ्री, तो इसका एडिटिव ये प्लस है ना, ये मैंने इनटू लिख दिया था यहाँ पे, तो माइनस टू बाय थ्री। ठीक है, और इनको जब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो इनका जो है आंसर वो क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, थ्री थ्री का जो एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा, थ्री। ठीक है, और ये हो जाएगा टू माइनस टू, तो ये हो गया जीरो, जीरो बाय थ्री मतलब कि जीरो। ठीक, तो ये एक हमने सॉल्व कर लिया, मतलब क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, टू बाई थ्री प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और यही इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। अब आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, आंसर में जब हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ टू बाई थ्री इज माइनस टू बाय थ्री, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जो सेकंड वाला आपका क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन आपका क्या है, माइनस फाइव बाय नाइन, तो माइनस फाइव बाय नाइन आंसर क्या होगा इसका, तो एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे होगा आपका, एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस फाइव बाय नाइन इज इक्वल टू फाइव बाय नाइन। ठीक है, इन्वर्स ऑफ यहाँ पे इज लिख दीजिए, इज इक्वल टू लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइनस सिक्स बाय माइनस फाइव, तो थर्ड क्वेश्चन क्या, माइनस सिक्स बाय माइनस फाइव,
तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, 6/5। नेक्स्ट है 2/-9, तो नेक्स्ट आपका क्या हो गया, 2/-9, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2/9। और लास्ट जो है हमारा वो क्या है, लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है 19-6, ठीक है ना। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 19-6, तो 19 = 6, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 19/6। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो माइनस के साइन होते हैं ऊपर या नीचे हैं, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये न्यूमरेटर का साइन माइनस है तो ये इसका भी साइन माइनस ही है, ठीक है ना। मान लीजिएगा 19-6 है तो मान लीजिए कि 6 भी आपका माइनस में ही है, ठीक है। तो किसी में भी अगर एक में भी माइनस है तो वो सारा का सारा माइनस ही माना जाएगा, ठीक है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।